नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी सक्सेना। एचपी न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। एचपी न्यूज लाता है आप सभी के लिए हर छोटी से बड़ी खबरें। तमाम खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप सभी को हर खबर की अपडेट आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 3 नवंबर को ब्यावरा विधानसभा में उपचुनाव होना है। इधर 2 दिन पहले ही ग्राम पंचायत पांजरा पांजरी के ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार करने हेतु मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम पांजरा पांजरी में शासकीय भूमि पर गांव के एसटीएससी के परिवार के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिस पर गांव के सभी लोगों ने विरोध किया था, जिस पर किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया और मुकदमा सभी ग्रामीण लोगों पर दर्ज हो गया था। इसी के चलते ग्रामीण लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने मतदान का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ दबंगों के द्वारा 4 हेक्टेयर शासकीय चरणोई भूमि पर कब्जा कर रखा है। शासन प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद उन लोगों पर किसी प्रकार की कार्यवाही न करते हुए उल्टा गांव के लोगों पर एसटीएससी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया एवं पूरे गांव के लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, जिससे आक्रोशित होकर पूरे गांव वालों द्वारा उपचुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। देखिए क्या है पूरा मामला। कब्जा अगर हटा देगा तो वोट देंगे गांव बस्ती का, नहीं तो वोट नहीं देगा। वो भी लिखित में देगा, लिखित में देगा, कागज घर में दे जाएगा सरपंच, तो वोट जाएगा, नहीं तो पूरे गांव का वोट। आप लोग क्यों बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का? हमारे गांव की चरणोई भूमि है, शासकीय भूमि जी, उस पर आज से 4 महीने पहले कुछ गांव के दबंगों ने अतिक्रमण करके वहां पे फसल लगा ली। हम लोगों के प्रशासन को, तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को अवगत कराने के बावजूद उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और उन लोगों ने फसल लगा ली वहां पे। बाद में उन लोगों ने गाँव वालों के ऊपर एसटीएससी में, मतलब उन लोगों को हमने मना किया तो उन लोगों ने हमारे ऊपर 10 लोगों के ऊपर एसटीएससी एक्ट का मुकदमा दायर करवा दिया। हम लोग झूठा मुकदमा, अब हमारे 10 लोग जेल में रह के आए 8-10 दिन तक, उसके बावजूद अभी तक उन प्रशासन के द्वारा उन लोगों वहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाया गया शासकीय चरणोई भूमि पर, जबकि वो चरणोई भूमि है, मवेशी चरते हैं गाँव के वहाँ पे, और इन लोगों ने वहाँ पे उस पर अतिक्रमण करके फसल लगा ली। अभी भी सरसों बोदी, पहले तिल्ली बोदी थी। आज दिनांक तक प्रशासन के द्वारा उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कितनी भूमि है जिस पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया? 8 हेक्टेयर। हम लोगों की मांग ये है कि जब तक उस भूमि को पूर्ण तरीके से अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जाए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए, उन लोगों से बॉन्ड नहीं भरा जाए, बॉन्ड नहीं भरवाया जाए कि अगली बार तुम इस भूमि पर अतिक्रमण नहीं करोगे, तब तक हमें, जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता, हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, कोई वोट नहीं डालेगा पूरा पंचायत पूरा गांव। शासकीय भूमि के अलावा और कोई सी मांगे हैं जो पूरी ना होने के कारण आप बहिष्कार कर रहे हैं? और कोई मांगे नहीं है हमारे पास। हमारा सर एक ही मुद्दा है, बस ये अतिक्रमण जो भूमि कर रखी है इन्होंने, अतिक्रमण ये मुक्त हो जाए, और सर इसी के इस अतिक्रमण की वजह से हमारे यहाँ का गौशाला का पूरा फाइल बन गई थी, कंप्लीट हो गई थी, वो सर राजगढ़ है, और इस अतिक्रमण के चलते वो हमारी जो गौशाला की फाइल थी वो भी निरस्त कर दी सर अधिकारियों ने, और यहाँ पे गौशाला नहीं बनते, वो दूसरी जगह बन गई, उधर हेदापुरा के आखिरी लास्ट में बनी मिट्टनपुर साइड, तो वहाँ हमें इन पंचायत से कोई मतलब नहीं है सर, वो तो बहुत दूर है यहाँ से, वो हमारे उपयोग में नहीं आ पाएगी। वो आपका चुनाव बहिष्कार करने का एक ही मुद्दा है कि जो शासकीय भूमि पर जो अवैध कब्जा है दबंगों द्वारा वो हटाया जाए, तो आप चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे? जी सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी और कोई मांगे हैं? लेकिन सर हमें लिखित में चाहिए, माननीय कलेक्टर महोदय को ही बुलाएंगे, उनके आश्वासन पे हम छोड़ेंगे, बाकी इतने कोई से अधिकारी के ऊपर इसलिए करना चाह रहे हैं सर कि शासन प्रशासन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। 6 महीने हो गए लगभग हमें शासन प्रशासन के पास भगते भगते, हम राजगढ़ कलेक्टर को भी दिया है, सभी दूर आवेदन दिया है, पर अभी तक आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।